इस होली में आप लोगों के लिए दो डिफरेंट तरीके के मुखवास की रेसिपी लेके आई हूँ एक छुहाड़े की बनी हुई और दूसरे आंवले से बनी हुई बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये मुखवास आप इसे ज़रूर से ट्राई करें ये इस तरह से बनेंगे इसे दो तीन मिनट एक कढ़ाई में लो टू मीडियम हीट पर हल्का भून लें जिससे कि ये जो छुहाड़े हैं वो आपके सॉफ्ट हो जाए हल्का जब छुहाड़ा गर्म हो तब आप इसे अच्छे तरह से इस तरह से कट कर ले जिससे कि उसके बीज भी आ, आराम से निकल जाए और उसे लंबे लंबे टुकड़ों में आप कट कर ले बीज सिरे से निकाल दें आप चाहे तो आप इसे किसी और भी शेप में कट कर सकते हैं इस तरह से सारे छुहाड़ों को आप एक एक करके कट कर ले सारे छुहाड़ों को कट कर लेने के बाद इसे आप एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दे। देखिए सारे छुहाड़ों को मैं एक बाउल में डालती हूँ अब मैं इसमें एक चम्मच काला नमक डालूँगी एक चम्मच मैं इसमें जिंजर का पाउडर ड्राई जिंजर का पाउडर डालूंगी, जिसे सौंठ भी बोलते हैं और आधी चम्मच मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूंगी, डेढ़ चम्मच मैं इसमें चीनी पिसा हुआ डालूंगी, चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ी और बढ़ा सकती हैं और उसके बाद चार चम्मच मैं इसमें नींबू का रस डालूंगी और उसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी नींबू के रस में जब छुहाड़े अच्छे से जाएंगे और नमक के साथ तो वो थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएंगे दो तीन घंटे आप उसे छोड़ दें जिससे कि वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए और इधर आंवले को धो के मैं अच्छी तरह से रख ली हूँ इसे इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी सारे आंवलों को कद्दूकस कर ले और उसमें मैं कुछ मसाले ऐड करना आपको बताऊँगी मैंने इसमें दो चम्मच नींबू का रस डाला है और एक चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाला है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें डेढ़ चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है और उसे मैं चार पाँच घंटे पेपर में डाल के सुखा ली हूँ धूप में जिससे कि वो बिल्कुल ड्राई हो गए हैं अभी के, है। के सीज़न में जो मौसम है वो धूप भी काफ़ी कड़ी होती है इसलिए चार पाँच घंटे में वो बिल्कुल अच्छे से सूख गए छुहाड़े को भी मैं दो चार घंटे पंखे के नीचे रख दूँगी इधर हमारा जो आंवला है उसमें मैं दो से तीन चम्मच चीनी पाउडर डालूंगी और उसके बाद मैं इसे इस तरह से सर्व करूँगी ये हमारे छुहाड़े के और ये हमारे आंवले के मुखवास बन के रेडी हो गए हैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगी इस होली आप भी अपने घर में इसे बनाएं ये बहुत टेस्टी बना आपकी रेसिपी बन के रेडी होगी आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली